दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 47 पे भाई साहब के पास। जो है ज्यादातर सूर्या माल आता है और 3397 आता है। आज जो इनके पास दो गाड़ी लगा हुआ है, एक बार क्वालिटी दिखा देता हूँ किस तरह का माल पलटा हुआ है जी। बाकी देखते हैं आगे और भी बहुत पलटा हुआ है सर के पास। देखो जी, देखो जी कुछ इस तरह का क्वालिटी है सर के पास। बाकी इस समय दोस्तों देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का ग्राहकी चल रहा है जी मार्केट के अंदर। देखो जी कुछ इस तरह का ग्राहकी है मार्केट में। हाँ जी सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज जो आलू के बाजार में क्या माहौल है जी? आज ताजा गाड़ी कितना मार्केट में, बैलेंस कितना है जी? आज ताजा है, 10-12 गाड़ियों की ताजा है, बाकी 17-18 गाड़ियां कल की बैलेंस है। अच्छा जी, कल हमारे यहाँ 40-45 गाड़ियां थी। अच्छा, और आज टोटल कितने हैं जी बैलेंस और ताजा मिला करके? 30 गाड़ियों के आसपास है। अच्छा जी, तो सर जी डे बाय डे जो है माल ज्यादा होता जा रहा है जी, कारण क्या है? देखो स्टोरों में भी आलू काफी बचा हुआ है जी, और टाइम पीरियड थोड़ा कम रह गया अब। अच्छा जी, तो इसलिए किसान और स्टोर मालिक जो आलू की निकासी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा जी, तो सर अराइवल ज्यादा होने से मार्केट में कुछ फर्क पड़ रहा है और ग्राहकी कैसा चल रहा है जी? ग्राहकी थोड़ा सुस्त है त्योहारों की वजह से। अच्छा जी, और रेटों में क्या चेंजेस देखने को मिला सर? रेट 50-100 रुपए डाउन है मार्केट, 50 से लेकर के 100 रुपए। सर जी आज जो अपने पास दो गाड़ी लगी है जी, ये दोनों गाड़ी कहाँ की है जी? ये सब गाड़ियाँ अतरोली की है। अच्छा जी, तो दो गाड़ी आई है ज्यादा है जी? गाड़ियाँ तो 5 है। अच्छा जी, 3 यहाँ खड़ी है, 2 आगे खड़ी है। अच्छा, तो अपने पास कौन कौन सा वैरायटी है सर? अपने पास सारा पहाड़ी है, अतरोली सूर्या। हाँ सर, तो सर जी उसका क्या बाजार चला जी? आज बाजार चला क्वालिटी के हिसाब से 700 रुपए से लेकर 800 रुपए का, बढ़िया क्वालिटी जो 800 रुपए का है। अच्छा जी, और बिक्री बड़ी सुस्त है। अच्छा, और जो थोड़े बहुत लूज पड़ गया माल सर, वो 650-700 के करीब बिक रहा है। अच्छा, वो कितना परसेंट आ रहा होगा मार्केट में? 10-15% मंडी में आ रहा होगा। अच्छा जी, और गुल्ला उसका क्या रेट बिका जी? गुल्ला बिक रहा है 550-600 रुपए का। और बम्पर? बम्पर बिका है 800 रुपए का। 800 रुपए। अच्छा, बम्पर और आलू का रेट सेम ही है? सेम। अच्छा जी, और सर जी बात करें 3397 आलू का, उसका क्या कुछ पोजीशन देखने को मिला जी? 37 बिका है 550-540 रुपए का, बढ़िया माल जो है। अच्छा, बाकी जैसी क्वालिटी है वैसे दाम है। अच्छा जी, और सर जी वही बात करें चिप्सोना आलू का? चिप्सोना भी 650-700 बिका। अच्छा जी, सर इस साल क्या हो गया जी, चिप्सोना तो पीटी गया जी, ज्यादातर माल जो है 3397 या सूर्या बिक रहा है? पीटा नहीं है, वो अपनी जगह बिक रहा है। अच्छा जी, और बाकी है कि सूर्या काफी बिक रहा है। अच्छा जी, और सर जी बात करें हाइब्रिड आलू का, तो उसका क्या कुछ बाजार चला जी? हाइब्रिड 400-450 के बीच में, 400-450। और सर जी जो सूर्या का जो अलग अलग वैरायटी है, जैसे T7 हो गया, T9 हो गया, डायमंड हो गया, इसका क्या कुछ रेट चल रहा है जी मार्केट में? ये सब 700-800 में बीच में बिक रहे हैं, क्वालिटी है जो जिसकी जैसी क्वालिटी है वैसे बिक रहा है। अच्छा जी, और हिमसोना वगैरह आ रहा है जी मार्केट में? नहीं हमारे यहाँ नहीं। अच्छा जी, और जो एक फ्राई सोना होता है सर जी, उसका क्या कुछ माहौल है और यहाँ पे आ रहा है? वो यही है 600-650 रुपए फ्राई सोना बिक रहा है। अच्छा जी, अगर चाल उसकी अच्छी है तो। अच्छा जी, और सर जी एलआर यहाँ पे आता है या फिर नहीं आता जी? नहीं, एलआर बहुत ना के बराबर आता है हमारे यहाँ। अच्छा, उसके ही पोजीशन यही 550, मतलब वैसे ही 100-150 कट्टा आ गया तो आ गया? नहीं, गाड़ी आती है पूरी, 100-150 तो नहीं है। पंजाब का जो एलआर आएगा जी, उसका 550-600 रुपए पोजीशन। अच्छा, 550-600। अच्छा जी, सर जी इस समय जो है कोल्ड स्टोरेज में क्या कुछ पोजीशन देखने को मिला जी? पोजीशन तो देखो स्टोरों में अभी माल काफी है, 35-40% मेरे हिसाब से माल निकला होगा। अच्छा जी, तो अभी जो बिक्री का माल है अभी वो 60% बचा हुआ है। अच्छा, और टाइम पीरियड अभी 2-2.5 महीने रह गया है। अच्छा जी, 2-2.5 महीने। और सर जी अभी कहीं आलू लगाया भी गया, जैसे कि ऊना में शायद इस टाइम या फिर? नहीं नहीं, अभी कहीं नहीं लगाया, 1-10 तारीख के बीच में ऊना में बुआई शुरू होगी, वो भी अगर बारिश ना हुई तो। अच्छा जी, जिस हिसाब से पहाड़ों में बारिश हो रही तो हो सकता है ऊना में थोड़ा 1-2 दिन लेट हो जाए, पर बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऊना के अलावा कौन कौन से और एरिया में बुआई होता है सर? ऊना और पंजाब होशियारपुर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, पंजाब और ऊना। अच्छा, तो सर जी आने वाले दिनों में आलू का क्या कंडीशन देखने को मिलेगा जी? देखो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में मंदा रहेगा आलू का। अच्छा, क्योंकि 60% आलू और बिक्री का समय कम है। अच्छा जी, तो सर जब बिजाई निकलता है जी, उस टाइम भी आलू का माहौल नहीं बनता या? नहीं, बिजाई निकलेगा स्टार्टिंग जो होती है वो उसमें तो थोड़ा सा महंगा होता है। अच्छा, पर जैसे जैसे वो सब अराइवल के ऊपर है, अगर अराइवल ज्यादा आएंगी तो फिर माल अपने आप मंदा हो जाएगा। अच्छा, फिर बिजाई में भी कुछ तेजी देखने को नहीं मिलता। हाँ। अच्छा,
एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा नाम रवि चौधरी है, शॉप नंबर 47 है मेरी और 9810636954। धन्यवाद सर जी।